नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। एडीएम ने सुनी शिकायतें, 22 में से 4 का निस्तारण। मंगलवार को होने वाले तहसील समाधान दिवस में एडीएम प्रमिल कुमार ने 22 फरियादों की शिकायतें सुनी, जिसमें से 4 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। इसी दौरान विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। देखा जाए तो अपेक्षाकृत गतिविधियों को देखते हुए अधिकारियों के समक्ष आधा सैकड़े से भी कम शिकायतें आनी सुनिश्चित ही एक सुधारात्मक पहलू है। समस्याओं में अशोक कुमार द्वारा ग्रामीणों से मिलकर फसलों में पानी भरने में काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा दिलाने की मांग की गई है, ताकि कुछ राहत मिले। शत्रुघ्न सिंह सैमन ने माधोगढ़ चितौरा कुटोद मार्ग के चौड़ीकरण के संबंध में शिकायती पत्र दिया। कालका प्रसाद पुत्र महीपत जमेरी गोहन ने किसान सम्मान निधि के संबंध में शिकायती पत्र दिया। अन्य फरियादियों द्वारा अधिकारियों को शिकायती पत्र दिए गए। एडीएम प्रमिल कुमार ने अधीनस्थों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, फरियादियों की पूर्ण रूप से संतुष्ट कर उसका समाकलन करें। इसी दौरान एसडीएम सालिकराम, तहसीलदार प्रेम नारायण प्रजापति, क्षेत्र अधिकारी राहुल पांडे, एसडीओ अभिषेक सोनकर, विकासखंड अधिकारी संदीप कुमार, इंस्पेक्टर गोहन विनोद कुमार पांडे, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हिंदुस्तान न्यूज 24 से ब्रेस्ट की सोर टिंकू। आज कुछ 22 शिकायतें आई हैं, जिसमें 4 का निस्तारण हुआ है। बाकी को कहा दिया गया है कि सभी अधिकारी जल्दी से जल्दी इसका सही ढंग से निस्तारण करके आपका उपलब्ध कराएंगे। सर, आज वो शिकायत आई है चित्तौर माधोगढ़ से कुठोन संपर्क मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त है, और इसके लेकर शिकायत आई है, अध्यक्ष जी क्या कहना है? हाँ, इसका हम लोग SNPWD को भेज रहे हैं, इसकी जांच कर लें, यदि आवश्यक है तो इसका मरम्मत करा दें। ठीक है।